हूँ डॉली भाटिया। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि सी हेल्थ के माध्यम से हम चर्चा करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आने वाली बीमारियों के बारे में और आपको करते हैं सतर्क कि किस प्रकार आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। यदि आप उन बीमारियों की चपेट में आ गए हैं तो कैसे उन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसी प्रकार आज भी हम चर्चा करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में कि कैसे आप बदलते हुए मौसम में अपना खास ख्याल रखें। और हमारी इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एल के गुप्ता। स्वागत करना चाहेंगे आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे में। तो दर्शकों, डॉक्टर एल के गुप्ता आज आपको बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि किस तरीके से आपको बदलते हुए मौसम में अपना खास ख्याल रखना है, बच्चों का खास ख्याल रखना है और कैसे आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं यदि आप सावधानियां ना बरते तो इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर एल के गुप्ता के साथ। डॉक्टर साहब, आपके साथ अपनी चर्चा शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहेंगे, जो बदलता हुआ मौसम है, अब धीरे धीरे ठंड आ रही है, गर्मियां जा रही हैं, तो इस बदलते हुए मौसम में क्या क्या परेशानियां आपको देखने को मिलती हैं जो मरीज आपके पास लेकर आते हैं? ये बदलता मौसम बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बदलते मौसम में इस समय ठंड से की तरफ मौसम बढ़ रहा है तो आदमी उतना केयर नहीं कर पाता है अपनी। सुबह और शाम को ठंडक हो जाती है तो उसमें उतनी अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। ठंडी हवा चल रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इस समय हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है जी। जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, ठंड में उनके लिए हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। आजकल वायरल डेंगू भी फैला हुआ है। वायरल और डेंगू में बुखार आना, शरीर में दर्द होना, जॉइंट्स में दर्द होना, ये काफ़ी कॉमन देखा जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ENT सर्जन हैं तो आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्या ये जो बदलता हुआ मौसम है और साथ में पॉल्यूशन जो इस वक्त सबसे ज्यादा देखा जा रहा है उत्तर भारत में, तो क्या इसका असर हमारे कान पे, हमारे गले पे भी पड़ रहा है? हाँ, पॉल्यूशन का असर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इस समय पॉल्यूशन के कारण नाक में एलर्जी, नाक में जो पॉल्यूशन स्मोक पार्टिकल होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। तो नाक में एलर्जी होना, ब्रोंकल अस्थमा होना, सांस की ब्रोंकाइटिस बीमारी होना, ये सब बढ़ती जा रही है। जैसे अभी हमने आपको बताया डेंगू वगैरह मिल रहा है, इसमें प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाती हैं जी। ज़्यादा प्लेटलेट कम होने पे चिंता नहीं करना चाहिए, 10,000 से नीचे प्लेटलेट पे ही प्लेटलेट चढ़वाने चाहिए। या किसी पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रही है नाक से तो उसको प्रिकॉशन लेनी चाहिए और प्लेटलेट चढ़वाने चाहिए। आजकल एलर्जी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। एलर्जी में सबसे बढ़िया उपाय होता है एलर्जी का कि आप एलर्जी से बचें। इसमें पेशेंट को कैसे मालूम पड़े कि उसको एलर्जी है, इसके लिए हम लोग एलर्जी टेस्ट करते हैं जिसमें मालूम पड़ता है किन किन चीज़ों से एलर्जी है। दो तरह से क्यों होता है एलर्जी टेस्ट, एक तो प्रिक मेथड से होता है, इसमें नीडल ऊपर हल्के हल्के लगा के देख लेते हैं किस चीज़ से एलर्जी है। जो लोग नीडल वाला मेथड से नहीं कराना चाहते हैं उनके लिए फिर ब्लड सैंपल से होता है। ब्लड सैंपल से एलाइजा मेथड से पता करा जाता है किन चीज़ों से एलर्जी है। जिन चीज़ों से एलर्जी निकलती है, यूजली हाउस डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, इनसे बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को अपने बहुत प्रिवेंशन करना चाहिए हाउस डस्ट के, और जो लोग टेस्ट नहीं कराते हैं केवल प्रिवेंशन करना चाहते हैं उनको अपने घर में डस्ट नहीं हो इसके लिए वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना चाहिए। और पालतू जानवर नहीं होने चाहिए घर में, क्योंकि पालतू जानवर के रेशे होते हैं, जो हेयर्स होते हैं वो जब दीवार से टकराते हैं वो लोग, तो कुछ हेयर्स उनके दीवार पे चिपक जाते हैं, फिर वो एयर में घूमते हैं, सांस के रास्ते से अंदर जाते हैं, उनको उससे एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को कॉटन से एलर्जी निकलती है, कुछ लोग जैसे विंटर में जब आप फर वाले कपड़े, वूलन कपड़े पहनते हैं, उनके फाइबर से एलर्जी होती है। स्वेटर आप वूलन का पहनते हैं, ऊन से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो ऐसे लोगों को लेदर की जैकेट वगैरह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। पालतू जानवर नहीं, कुछ लोगों को पेपर डस्ट से एलर्जी हो जाती है जी। तो न्यूज़पेपर वगैरह आप जल्दी से जल्दी डिस्पोज करें, उन्हें इकट्ठा ना करें, और उसकी क्लीनिंग वैक्यूम क्लीनर से रेगुलर करते रहें जहाँ पर भी आपकी बुक्स वगैरह रखी हैं सेल्फ। मोटे कर्टेन नहीं होने चाहिए, उनसे भी डस्ट पार्टिकल उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, एलर्जी करते हैं। कुछ लोग मोटा कारपेट बिछाते हैं घर में, उसमें भी डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ हाउस डस्ट माइट हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे भी एलर्जी होती है। तो एलर्जी के लिए बेस्टर है कि वो जितना प्रिवेंशन कर सकें, और उसके बाद जिन लोगों को एलर्जी टेस्ट करा लेते हैं उनको फिर इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी में जैसे हमारे टाइम
पुराने टाइम में इम्यूनोथेरेपी का सिद्धांत क्या है? इम्यूनोथेरेपी जैसे पुराने समय में विषकन्या होती थी राजा महाराजाओं के टाइम में जी, उनको स्नेक पॉइजन बार बार कम डोज से बढ़ा बढ़ा के रेगुलर इंटरवल पे दिया जाता था। तो कुछ समय में ये स्थिति हो जाती थी कि उन लेडीज़ पे स्नेक पॉइजन का असर नहीं होता था। बिल्कुल इसी तरह का प्रिंसिपल हमारे इम्यूनोथेरेपी में काम करता है। हम लोग जिन चीज़ों से एलर्जी निकलती है उन एलर्जन को रिपीटेड डोज में कम कंसंट्रेशन से मैक्सिमम कंसंट्रेट की तरफ पहुंचते हुए उनको रिपीटेड रेगुलर इंटरवल पे देते हैं, जिससे उन पेशेंट्स के बॉडी के अंदर जिन चीज़ों से एलर्जी है उसे लड़ने के लिए एक रेजिस्टेंट पावर ताकत पैदा हो जाए। बिल्कुल, इसी के साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे अगर हम बात करें, आप एलर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, तभी आप उससे बच सकते हैं। किसी को मौसम से भी एलर्जी होती है, जैसे मौसम चेंज होता है, कुछ लोगों को कोल्ड एयर से एलर्जी होती है। कोल्ड एयर आप यूज़, जब भी आप विंटर में बाहर निकले कोल्ड एयर चल रही तो आपको वाटरी डिस्चार्ज आने लगता है, स्नीजिंग होने लगती है, नाक में खुजली होगी, आँख में खुजली होगी, तो कोल्ड एयर से भी बचना चाहिए। कुछ लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि मैंने आज उस दिन चावल खाए थे, चावल के बाद एकदम से एलर्जी हो गई, मेरे को दिक्कत हो गई, तो कई लोगों को ये भी मालूम होता है, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब आपने मौसम की बात की और बदलते हुए मौसम से जब लोगों को एलर्जी होती है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो अपने आप को वो कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि मौसम तो बदलेगा ही, तो कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें? राइट, जैसे अभी विंटर स्टार्ट हो रहा है जी, कुछ लोग अभी ठंडे पानी से नहा रहे हैं, कुछ लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो अगर आपको मालूम है कि आप सेंसिटिव हैं तो अभी से ही आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए, रात को एसी कूलर सब बंद रखने चाहिए, फ़ैन भी ऑफ रखना चाहिए, और ब्लैंकेट वगैरह का यूज़ इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, ना कि वेट करना चाहिए कि हम बीमार हो जाए उसके बाद करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसी के साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ डॉक्टर एल के गुप्ता हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि ENT सर्जन हैं। वो आज आपको बता रहे हैं किस तरीके से गले में अगर आपको परेशानी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है लगातार, और जो आने वाला अब सीज़न है वो अब ठंड का आने वाला है, और धीरे धीरे ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है, साथ ही पर्यावरण में पॉल्यूशन भी है, तो कैसे आप अपना खास ख्याल रख सकते हैं, कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं, इसके बारे में आपको डॉक्टर एल के गुप्ता जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके साथ यहाँ पर जानना चाहेंगे कि पॉल्यूशन आ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है धीरे धीरे लगातार, और स्मोक की कंडीशन भी हो चुकी है, तो क्या मास्क पहनना बेटर है या किसी और तरीके का हमें कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे हम बीमारी होने से बच सकें? कोई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। इस समय आपने आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि प्राइमरी स्कूल बंद करने पड़े। बिल्कुल, इस समय हम सबकी इस समय एक मॉरल ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे के जाएँ कि उनको ग्लास के रूम में रहना पड़े। इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है, पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने ऑड इवन नंबर स्टार्ट करा था, लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुई थी, बंद करना पड़ा उन्हें, लेकिन उससे दिल्ली के लोगों को काफ़ी अंतर पड़ा था। सड़क पर ट्रैफिक कम हुआ, ट्रैफिक कम होने से पोल्यूशन कम हुआ। आप देखते हैं अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो व्हीकल आपका रेड लाइट पर रुका रहेगा, रेड लाइट पर जब व्हीकल रुका रहेगा तो कुछ लोग तो अपनी कार स्कूटर बंद कर देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग चालू रहने देते हैं, तो वहाँ पर वो स्मोक एक्यूमुलेट हो रहा है उस क्रॉसिंग पर, तो पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। चलती कार से इतना पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि उसका पॉल्यूशन एयर में उड़ता जा रहा है, लेकिन रुकी हुई जगह पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो जब ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा, ऑड इवन चालू हुआ था, ट्रैफिक कंजेशन कम हुआ तो नेचुरल पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा, जब विंटर होते हैं तो एक कोल्ड एयर जैसे पॉल्यूशन है ऊपर एयर में ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता है, फॉग होता है तो वहाँ रुक जाता है। आप उसका वहाँ का पॉल्यूशन कारण ध्यान में यूनिवर्सल उसका भोपाल का जी, जहाँ विंटर में ये ट्रेजडी हुई थी इसलिए लोग ज़्यादा एक्सपायर हुए थे, क्योंकि जो पॉल्यूशन की गैस थी वो एनवायरनमेंट में ऊपर नहीं जा पाई थी, वो लेवल पे रही थी, लोअर लेवल पे, तो जिसके कारण लोगों को ज़्यादा है। यही इस समय अगर दिल्ली में पॉल्यूशन से बचना है तो प्रिवेंशन करना पड़ेगा। ये अभी स्टार्टिंग दिल्ली से हो रही है, ये आगे आगे हम छोटे शहरों में भी होती जाएगी। बिल्कुल, आप देखें MG रोड पर आगरा में पहले स्कूटर साइकिल ज़्यादा थी, अब आप कार ज़्यादा हैं तो नेचुरल पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसका अभी से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के स्थिति बहुत विकराल हो जाएगी
और आपको मास्क पहन के ही रहना पड़ेगा। आप ट्रैफिक पुलिस वाले अगर मास्क यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, जिससे पॉल्यूशन उनका फिल्टर होके जाता है, कार्बन पार्टिकल बाहर रह जाते हैं और एयर फिल्टर होके जाती है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ये जो पॉल्यूशन है इससे किस तरीके की बीमारियां पैदा होने की संभावना बढ़ रही है? पॉल्यूशन से जैसे जो स्मोक पार्टिकल होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हैं, ये कार्बन पार्टिकल हैं, ये लंग्स में जाते हैं, ब्रोंकाइटिस करते हैं, अस्थमा करते हैं, और जब ये ब्लड की एयर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्लड की भी कमियाँ होने लगती हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह उतना कैरी नहीं कर पाता, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं पॉल्यूटेड एरिया में। बिल्कुल, इसके साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ डॉक्टर एल के गुप्ता हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको प्रिवेंशन करके चलना है, पहले से ही सावधानियां बरतनी है, क्योंकि पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है और उस पॉल्यूशन से आपको कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। उन बीमारियों से आपको बचने के लिए सावधानियाँ बरतना बेहद ज़रूरी है। उन्हीं सावधानियों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर एल के गुप्ता के साथ, जो कि एंटी सर्जन है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे कि क्योंकि आप ENT सर्जन हैं, तो शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ कि नोज़ के साथ और गले के साथ, कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन है वो नोज़ और गले में इस तरीके के इफ़ेक्ट डाल रहा है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जब बदलता है मौसम, एक तो दोनों चीज़ें सर साथ में हो रही हैं, मौसम भी बदल रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो गले में किस तरीके की दिक्कतें पैदा हो रही हैं इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है गले में विंटर में, क्या एलर्जिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जी, और जो लोग डाइट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनका गला जल्दी ख़राब हो जाता है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों में, और पॉल्यूशन के कारण ही नाक में भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बेसिकली पॉल्यूशन से लंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नाक में एलर्जी वगैरह होती है, गले में भी फेरेंजाइटिस हो जाती है, जिसमें गले में पेन होना, स्वेलो करना, निकलने में दिक्कत होना, ये सब दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, तो अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत दिखाई देती है तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। राइट, सबसे पहला तो कि आप उन चीज़ों से बचना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मेडिकल साइंस में एक बहुत पुराना टर्म है कि बीमारी के इलाज से बढ़िया है कि उसको हम रोकथाम करें। तो सबसे पहले तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करना चाहिए कि आप स्पाइसी फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें कम से कम लें, जो चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं वो ना लें, और ये सब आप आजकल पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह बच्चों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ये बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, और क्वान्टिटी कम। एक पुरानी कहावत थी कि पेशेंट को वो खाना चाहिए जो हमारे बुजुर्ग खाया करते थे जी, वो सब बड़ा पौष्टिक आहार होता था, पहले बाजरे की रोटी ये सब चीज़ें होती थी, पौष्टिक आहार होता था, कंडे पे रोटियां वगैरह था भाई, वो आजकल के टाइम में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन उन सब चीज़ों से आपको उसमें टेस्ट भी आता बिल्कुल सेहत बनी रहती थी। लेकिन आजकल अगर तांबे के बर्तन में पानी ठंडा रखा जाता था, उसके भी पार्टिकल मिलते थे, तो वो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा होते थे। लेकिन अगर आज के टाइम में, अब आने वाला टाइम धीमे धीमे वही जनरेशन आएगी, आप पार्टी में जाएं तो आप कुल्हड़ में मिलने लगी है चाय, जबकि प्लास्टिक के कप में प्लास्टिक घुल जाती है, तो लोग इस तरफ ध्यान देने लगे। बिल्कुल, जागरूक हो रहे हैं लोग। हाँ। और इसी के साथ एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि एंटी सर्जन आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने आपको बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पहले से ही आप रोकथाम करके चलें, सावधानियां बरत के चलें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, और यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके गले में या आपको किस कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको तुरंत बिना देरी किए, बिना लापरवाही बरते डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि ENT सर्जन डॉक्टर एल के गुप्ता के साथ हम अपनी चर्चा को यूं ही रखेंगे जारी और आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपको सावधानियां बरतनी है, कौन कौन सी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। लेकिन यहां हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में, और आपके साथ मैं हूँ डॉली भाटिया। दर्शकों, आज हम हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर एल के गुप्ता के साथ, जो कि एंटी स्पेशलिस्ट हैं। वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बदलते हुए मौसम में, बढ़ते हुए पॉल्यूशन में आप कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, कैसे बीमारियों से आप बच सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, जिनसे कि आप आगे होने वाली तमाम परेशानियों से बच सकें। इसी के साथ डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ हम चर्चा कर रहे थे कि
किस तरीके से बढ़ते हुए पॉल्यूशन का असर हमारी बॉडी पर हो रहा है, कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आपसे एक छोटी सी बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि सर आप ENT सर्जन हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये अनुवांशिक होता है, जो बच्चे गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, क्या ये अनुवांशिक ही ज़्यादातर देखा जाता है परसेंटेज में, या किसी कारणवश भी ऐसा हो जाता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। ये मूक बधिर बच्चे एक हमारे समाज के लिए बड़ी कष्टदायक स्थिति है। मूक बधिर बच्चों के कई कारण होते हैं। जो बच्चे जन्म से सुन नहीं पाते, उनको ये मालूम नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है जी। जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होते ही जंगल में छोड़ दिया जाए, तो वो इंसान की आवाज़ में बात नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने इंसान की आवाज़ नहीं सुनी नहीं होती है। इसी तरह जो बच्चे जन्म से सुन नहीं पाते हैं, गूंगे होते हैं, उन बच्चों ने कभी आवाज़ सुनी नहीं होती, इसलिए उनको मालूम नहीं होता है क्या बोलना। उनको बोलना तो आता है, लेकिन कैसे क्या बोलना है ये उनको नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी होती। ये आपने क्वेश्चन उठाया कि जेनेटिक होता है। हाँ, ये कुछ केस में जेनेटिक भी होता है, माँ बाप से ट्रांसफ़र होता है। कई बार बच्चा जब माँ के पेट में होता है डिलीवरी के टाइम पर, आपने देखा होगा डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सीजेरियन करा लो नॉर्मल से, उन्हें लगता है कि माँ की पेल्विस का रास्ता छोटा है, बच्चा अटक सकता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ गलत लोग होने के कारण या कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि सीजर नहीं करवाएंगे, नॉर्मल कराएंगे। तो कई बार बच्चा, जैसे नीचे अगर मदर का पेल्विस का रास्ता छोटा है, तो बच्चा डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पे अटक जाता है, और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ अगर अटका रहता है तो उसको ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई कम मिल पाती है। तो ऐसे बच्चों के दिमाग का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, या जो बच्चे बाहर निकलने के बाद पूरी अच्छी तरह क्राई नहीं आती है, देर से क्राई आती है, उनके दिमाग का विकास रुक जाता है। बच्चे पैदा होने के बाद जॉन्डिस हो जाती है, उसमें दिमाग का विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चों के, या माँ जब प्रेगनेंसी होती है उस समय माँ को मीजल्स, रुबेला, इस तरह के साइटोमेगलो वायरस कोई इन्फेक्शन होता है, तब भी बच्चे में विकास रुक जाता है, और ऐसे बच्चों में गूंगे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी बच्चे को कोई चोट लग जाती है या साउंड नॉइज ट्रॉमा वगैरह होता है, उसमें भी गूंगे हो जाते हैं। बच्चे दो तरह के होते हैं, एक तो जन्म से गूंगे आते हैं, एक जन्म के बाद उनको कोई बीमारी हो जाए उसके बाद गूंगे हो जाते हैं। बिल्कुल। जो जन्म से गूंगे आते हैं उनका ट्रीटमेंट थोड़ा टफ होता है। जो जन्म के बाद किसी बीमारी से, जैसे पुराने टाइम में TB हो जाती थी, तो हम लोग एमाइनोग्लाइकोसाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन बार बार लगाते थे। वो एक ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, जिसमें कान की नस की डैमेज होने के चांस होते हैं, तो उसके बाद उस मरीज को सुनाई देना बंद हो जाता है। तो जिन बच्चों के बीमारी माँ से आई है या बाद में इन्फेक्शन से हुआ है, तो उन मूक बधिर बच्चों की हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा 4 महीने का है, आपको ये देखना है कि वो सुन पाता है या नहीं जी। इसके लिए अगर बच्चे की चेहरा अगर दूसरी तरफ है और आप उसके अपोजिट साइड में जाके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ताली बजाते हैं ज़ोर से, या बच्चे की आँखों के आप आँखों का मूवमेंट देखिए उसका, क्या वो साउंड की तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं। अगर वो साउंड की तरफ कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ये आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे को कम सुनाई दे रहा है। दूसरा, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 6-7-8 महीने का होता है, तो वो अपनी गर्दन मोड़ देता है आवाज़ की तरफ। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये शो करता है कि बच्चे को सुनाई देने में दिक्कत है। ऐसे बच्चों के हियरिंग टेस्ट करे जाते हैं। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें एक टेक्निक होती है बैरा, जिसमें ब्रेन स्टेम इवोक रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री कहलाता है। इसमें कान से लेके दिमाग तक हमारे 5 स्टेप्स होते हैं, उसमें देखा जाता है कहाँ पर वो नर्व काम नहीं कर रहा है, कहाँ स्टिमुलस काम नहीं कर रहा है, उससे एक आइडिया हो जाता है कि बच्चा गूंगा है या नहीं है। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनके प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट करके कर देख लेते हैं 2.5 साल से ऊपर के बच्चों में, उनसे मालूम पड़ जाता है उनका हियरिंग लेवल कैसा है। जो बच्चे सुनाई नहीं दे पाते हैं, उनके फिर ट्रीटमेंट कराया जाता है।
जिन बच्चों में थोड़ी सी हियरिंग होती है, ऑडियोमेट्री से मालूम पड़ा कि इस बच्चे में थोड़ी हियरिंग है, तो उनमें आसान तरीका होता है कि हम लोग हियरिंग एड ट्रायल करें जी, हियरिंग एड लगाएं। हियरिंग एड लगाने से बच्चे को साउंड एम्पलीफाई होके जोर से होके पहुंचती है। हियरिंग एड और नॉर्मल एम्पलीफायर में ये डिफरेंस होता है, जो नॉर्मल एम्पलीफायर होता है वो किसी भी आवाज़ को तेज करके पहुँचाएगा, जो हियरिंग एड होते हैं वो केवल जो हम लोग फ्रीक्वेंसी पे जिस पे हम लोग सुनते हैं उन फ्रीक्वेंसी को तेज करके कान में पहुंचाते हैं। अगर हियरिंग एड से बच्चा सुन लेता है तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हियरिंग एड लगाना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं मेरा बच्चा छोटा है अभी नहीं लगाऊँ वो खो देगा फेंक देगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पावर बची हुई है अगर उसको इस्तेमाल नहीं करा गया तो वो और कम हो जाएगी जी। हियरिंग एड लगाने से जो पावर बची हुई है और बढ़ जाएगी। तो छोटे बच्चों में हियरिंग एड बांध दिए जाते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है लेकिन ज़रूरी है बच्चे के लिए। बिल्कुल, इसके साथ ही डॉक्टर साहब यहाँ पे तो आपने बात कर ली कि जो बच्चे जन्म से गूंगे होते हैं और बहरे होते हैं उनके साथ का ट्रीटमेंट किस प्रकार दिया जाता है। यहाँ पर बात करें बुज़ुर्गों की अगर, तो धीरे धीरे देखा जाता है जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता है उनको सुनना कम हो जाता है, उसके कारणों के बारे में जानना चाहेंगे। पहले बच्चों का एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट और मैं बताना चाहूँगा आपको, एक डिवाइस आई है कॉकलियर इम्प्लांट। कान के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर होते हैं। उसमें इनर पार्ट में कॉकलिया एक स्ट्रक्चर होता है जो साउंड फ्रीक्वेंसी को एनालिसिस करता है। जिन बच्चों के हियरिंग डाउन होती है जन्म से उनमें कॉकलियर इम्प्लांट लगाया जाता है। कॉकलियर इम्प्लांट कान के पीछे स्किन के नीचे एक डिवाइस होती है वो लग जाती है, उससे एक इलेक्ट्रोड्स अंदर जाके कान में ही कॉकलिया में लग जाता है। इस कॉकलियर इम्प्लांट से बच्चे अच्छा सुनने लगते हैं ये, लेकिन इस समय इसकी सबसे बड़ी कॉस्ट फैक्टर आगे आता है। इस कॉकलियर इम्प्लांट की कॉस्ट 4-5 लाख रुपए है और उसको लगाने में भी 1-2 लाख रुपए लग जाते हैं। उसके बाद रेगुलर ट्रेनिंग करनी होती है बच्चे को हियरिंग की, ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। अभी इंडिया में कॉकलियर इम्प्लांट बनाने की कोशिश करी गई है कि उसको 1-1.5 लाख रुपये कॉस्ट को ले आएँ, जिससे कि लोगों के लिए आसानी से लगवा सकें। बिल्कुल, लेकिन वो अभी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। जो इम्पोर्टेड कॉकलियर इम्प्लांट हैं वो 4-5 लाख से लेके 9-10-15 लाख तक के आते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के बाद बच्चा अच्छा सुनने लगता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है तो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता है। और आपने ओल्ड एज का कहा, ओल्ड एज में आप ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हियरिंग की डिफ़िकल्टी होती है। हियरिंग डेफनेस में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कुछ लोगों को सुनाई नहीं पड़ना, एक दूसरा होता है समझ में नहीं आना कि सामने वाला कुछ बोल तो रहा है लेकिन क्या बोल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये ओल्ड एज में होता है। इसमें हम लोग ऑडियोमेट्री टेस्ट करके पता कर लेते हैं किस फ्रीक्वेंसी पे और किस ग्रेड का कितने डेसीबल का लॉस है। जितने ज़्यादा डेसीबल का लॉस होता है ओल्ड एज में, यूजली हियरिंग एड इज बेस्ट सॉल्यूशन होता है। जिन मरीजों को डायबिटीज़ होती है उनमें हियरिंग लॉस जल्दी आ जाता है। साथ में टिनाइटस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कान में रिंगिंग सेंसेशन, कुछ लोग कहते हैं झिंगुर की सी आवाज़ हो रही है लगातार, कुछ लोग कहते हैं सीटी की सी आवाज़ होती है, ये टिनाइटस बड़ा कॉमन होता है। तो ओल्ड एज में हियरिंग एड यूज़ करना पड़ता है अगर कोई नहीं सुन पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है जी। ये डिपेंड करता है कि वो जो पर्सन है वो घर से बाहर वर्किंग में है या घर पर रहता है। घर पर रहता है तो उसको जितना मैक्सिमम टाइम बिना हियरिंग एड के यूज़ के रह सकता है तो रहे, क्योंकि एक बार हियरिंग एड की आदत पड़ जाती है तो उसके बिना फिर उसको मुश्किल होती है। जो वर्किंग हैं उन लोगों को तो हियरिंग एड जरूर यूज़ करना चाहिए। और अब तो बहुत अच्छे हियरिंग एड आ गए हैं जो केवल बेर की गुठली के साइज़ के होते हैं, कान के अंदर ही लगा लो आप निकाल लो तो उसमें नॉइस पॉल्यूशन भी कम होता है और साउंड की क्वालिटी भी अच्छी आती है। बिल्कुल, इसी के साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ ENT सर्जन डॉक्टर LK गुप्ता हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं उनके लिए किस तरीके की टेक्निक सब आ गई हैं नई, और साथ ही जो बुज़ुर्ग हैं वो किस तरीके से उनका जो सुनना कम हो जाता है एज के साथ साथ, तो किस तरीके से उनके लिए हियरिंग एड जो है वो एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे अक्सर बात करना चाहेंगे कि ये तो हमने बात की उन लोगों की जो
सुन नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईयरफोन्स का यूज करना, लगातार गाने सुनना तेज आवाज में, डीजे का बजना, क्या हमारे कानों के लिए भी ज्यादा नुकसानदायक है? बिल्कुल आपने सही कहा, आजकल मोबाइल कंपनी अनलिमिटेड कॉल्स दे रही हैं, बिल्कुल, जिसके कारण मोबाइल का एक्स्ट्रा यूज बढ़ गया है। दिन भर लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं और उसमें एक प्रॉब्लम जो आती है, जो हार्ड ऑफ हियरिंग होते हैं वो लोग मोबाइल को कान पर रखने की जगह थोड़ा सा इसको दबा के रखते हैं, जिससे उनको अच्छा सुनाई दे। जब आप इसको दबा के रखते हैं तो आप लंबे समय बात करेंगे तो ये कान का पिन्ना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, उस पर प्रेशर लंबे समय पड़ेगा तो उसमें भी पेन हो जाता है। कई पेशेंट केवल यही कंप्लेंट लेकर आते हैं कि हमारे कान पर दर्द होता है, और उनको एडवाइस दें कुछ दिनों के लिए मोबाइल छोड़ दो तो उनके लिए प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट होता है। मोबाइल के साथ में रेडिएशन तो होता ही है, तो बेस्ट ये है कि आप स्पीकर ऑन करके अगर ऐसे बात करें तो कम जाएगा कोई रेडिएशन। बेटर कि मोबाइल का जितना कम मिनिमम यूज़ कर सकें वो करें। अनलिमिटेड कॉल्स ने ये प्रॉब्लम बढ़ा दिया है। बिल्कुल, तो दर्शकों आप डीजे का भी कम, क्योंकि डॉक्टर साहब तो डीजे पे भी कहीं ना कहीं बैन लग गया है रात के 10 बजे के बाद, और शायद यही कारण है कि लाउड स्पीकर और डीजे भी हमारे कानों के लिए, हमारी कानों की जो क्षमता है सुनने की, उनके लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए, और सर यहाँ पे जानना चाहेंगे जो पॉल्यूशन चल रहा है, क्या उससे भी हमारे कानों पर कहीं ना कहीं कोई असर पड़ रहा है? बेसिकली कान पर नॉइस पॉल्यूशन का अंतर पड़ता है। आपने देखा अभी दिल्ली वगैरह में, ISBT वगैरह पे, बस ट्रक में प्रेशर हॉर्न होते हैं, वो बंद कर दिए हैं कि ये ISBT के अंदर कोई बस वाला हॉर्न नहीं बजा सकता है। कि अगर आप कभी किसी बस के आगे खड़े हों या ट्रक के आगे खड़े हों, अगर वो हॉर्न बजा दे तो आपको कितना ख़राब लगता है जी, बड़ा एकदम अनइजी महसूस होता है। नॉइस पॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। अगर किसी की दुकान पर, शॉप पर जनरेटर लगा हुआ है, उसकी नॉइस पॉल्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है कान को, हियरिंग पावर कम होती जाती है। और कुछ लोग जैसे ड्राइवर होते हैं, उनको हर समय ड्राइव करना है, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, उन लोगों को नॉइस पॉल्यूशन काफ़ी होता है, उनकी हियरिंग ख़राब हो जाती है। कुछ फैक्ट्री वर्कर होते हैं जहाँ बॉयलर में काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है। आप किसी फैक्ट्री में अगर कभी गए हों तो वहाँ देखें मशीनें बहुत तेज़ आवाज़ करती हैं, तो उनको, अगर उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उस जगह को छोड़ सकें, तो बेस्ट है कि वो अपना ईयर प्लग लगाएं। ईयर प्लग से साउंड थोड़ा सा उनको कम होके पहुँचेगी, तो थोड़ा उतना नहीं होगा दिक्कत, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक कोई नॉइस पॉल्यूशन में काम करता है तो उसको हेडेक और चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें होती हैं। हियरिंग तो डाउन होती है, जिस पेशेंट में हियरिंग डाउन है उसको हम लोग ऑडियोमेट्री करके उससे पता कर लेते हैं इसका नॉइस पॉल्यूशन के कारण हियरिंग कम हुई है या और कोई रीज़न है। बिल्कुल, तो इसी के साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर LK गुप्ता हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना ध्यान रख सकते हैं, पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, जो बच्चे गूंगे हैं, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, या जो बुज़ुर्ग हैं वो अगर दिक्कत करते हैं सुनने में, समझने में, तो उनके लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट है। साथ ही उन्होंने बताया कि आपको किस तरीके से जो एक नॉर्मल है, जो सुन सकता है इंसान, अगर वो इन सब चीज़ों से दूर, लाउडस्पीकर कम सुने, आवाज़ ज़्यादा शोर में ना जाए, साथ ही मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल भी कम करें, तो उनकी जो पावर है सुनने की वो लगातार चलती रहेगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य पर बेहद बुरा प्रभाव डाल रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, इस शो के माध्यम से आप दर्शकों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, पहले भी मैंने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो कोशिश करें जितना एलर्जी से बच सकें, जितना नॉइज़ पॉल्यूशन से बच सकें, जितना हम अपनी कंट्री के लिए पॉसिबल हो तो पॉल्यूशन भी कम करने की कोशिश करें। सपोज़ करें आप कार में जा रहे हैं तो पूल कार करके जाइए, या अभी आगरा में रोडवेज की बस में चढ़ना थोड़ा स्टेटस सिंबल नहीं अजीब सा लगता है, जबकि लखनऊ वगैरह, दिल्ली वगैरह में ये कॉमन चीज़ है जी। बॉम्बे में लोकल ट्रेन में सब लोग अपर और लोअर क्लास चढ़ते हैं, लेकिन अगर आगरा में अभी देखें तो लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो ये चीज़ें, हेजिटेशन निकालनी चाहिए, और गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, जिससे अपना पर्सनल व्हीकल कम यूज़ करें, जिससे पॉल्यूशन कम हो। और नॉइज़ पॉल्यूशन, अगर आपके यहाँ जनरेटर है तो अब गवर्नमेंट ने रूल कर दिया कि कैनोपी वाले जनरेटर लगाएं, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन कम हो। मोबाइल का आप लिमिटेड यूज़ करें, ब्लूटूथ यूज़ करके भी आप थोड़ा सा रेडिएशन और नॉइज़ को कम कर सकते हैं।
में बेस्ट है कि आप जितना कम यूज़ करें, क्योंकि आज व्हाट्सएप के कारण आज बच्चे सब लोगों को आइज़ की प्रॉब्लम काफ़ी हो गई है। जब भी आप ट्रेन में देखें, कहीं बस में देखें, किसी पार्टी में देखें, तो सब लोग मोबाइल खोल के अपने व्हाट्सएप पर लगे होते हैं। बिल्कुल। जब हम लोग छोटे थे तो किसी पार्टी में जाते थे तो बच्चे सब आपस में एंजॉय करते थे, मिलके खेलते थे। अब आप किसी पार्टी में जाएं तो आप देखेंगे अलग 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 जगह बच्चे बैठे होंगे, सब मोबाइल लिए होंगे। ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पे आए और आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, इसके लिए आपका